एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू लाइफस्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज जो ये मेकअप लुक आप देख रहे हैं, ये मैंने किया है अपने DIY मेकअप प्रोडक्ट से। मैं आपके साथ बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ और आज मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख के बता सकते हैं कि आप में कौन सा मेकअप प्रोडक्ट घर पे बनाना सीखना चाहते हैं। तो फिलहाल जो मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसे मैंने ये मेकअप किया है, कैसा लग रहा है लिख के जरूर बताइएगा। और ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेते हैं इन मेकअप प्रोडक्ट्स को बनाते कैसे हैं और यूज़ कैसे करना है। मैंने इसे खुद यूज़ करके दिखाया है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाउंडेशन बना रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र। जो भी आप क्रीम यूज़ करते हैं अपने फेस पे, वो क्रीम आपको लेनी है। तो एक टीस्पून के करीब मैंने ये ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये जॉनसन्स बेबी पाउडर। जो भी पाउडर आपके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कॉम्पैक्ट पाउडर हो तो वो भी यूज़ किया जा सकता है, या लूज़ पाउडर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्राइंड की हुई कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है ना, वो दानेदार फॉर्म में होती है, उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था ताकि ये बारीक पाउडर तैयार हो जाए। हल्की सी कॉफ़ी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं तो डार्क कलर का फाउंडेशन बन जाता है। तो इसे मैं मिक्स कर देती हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी मेरी ज़्यादा ही हो गई है, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर का ये देखिए फाउंडेशन तैयार होगा। तो कोई बात नहीं, हम इसे लाइट कर लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी। तो जिस कलर का भी आपको फाउंडेशन चाहिए उस तरह से आप अपना बना सकते हैं अपने शेड का। तो इसे मेरा जो कलर है वो फेयर है तो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जेल और थोड़ा पाउडर इसमें डालते जाएंगे और इसका जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही आप कॉफ़ी कम डालिएगा, ज़्यादा डाल देंगे ना तो मेरी तरह थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो हल्की सी कॉफ़ी डालें और फिर आपका जो इतना आपको पाउडर और ये जेल वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पहले ही कॉफ़ी कम डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए डार्क कलर का फाउंडेशन तैयार हो गया, पर मुझे लाइट करना है। तो इसे लाइट कैसे करेंगे, थोड़ा सा पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा क्रीम या एलोवेरा जेल। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपका फाउंडेशन है वो एकदम लाइट कलर का हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना एकदम लाइट कलर का। तो जो लोग फेयर हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इसकी कवरेज तो बिल्कुल मार्केट के फाउंडेशन की तरह नहीं है, उतना बढ़िया नहीं ये काम करेगा, पर काफ़ी अच्छा करता है। ये एक तरह के हैक हैं, हमेशा हम लोग नहीं यूज़ करते हैं पर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथों में फ़र्क देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है इसका। इसे मैं आपको मेकअप करके भी दिखाऊँगी। तो इसे इस तरह से हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। अब यहाँ पे आती है बारी प्राइमर की। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गुलाब जेल लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है, साथ ही एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी मैं वैसलीन डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और ये बहुत ही अच्छा हमारा घर का बना हुआ प्राइमर तैयार हो जाएगा। बहुत लोग नहीं जानते होंगे प्राइमर क्या होता है। प्राइमर एक तरह की परत बना देता है हमारे फेस पे, जिससे कि हमारे ओपन पोर्स कुछ देर के लिए बंद हो जाते हैं, उसमें से ऑयल जो रिलीज़ होता है ना वो नहीं होता थोड़ी देर के लिए, और हमारा मेकअप भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, साथ ही मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। इस तरह से मैं हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी जो स्किन है वहाँ से स्मूद हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्राइमर तैयार हो गया, इसे भी हम स्टोर कर लेंगे। अब आती है बारी हमारी आईब्रो जेल बनाने की। तो इसके लिए मैंने ज़रा सी वैसलीन लिया और इसमें थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दूँगी क्योंकि इसे हमें डार्क ब्राउन कलर का बनाना है। तो आप ब्राउन भी बना सकते हैं, डार्क ब्राउन भी। जो डार्क ब्राउन कलर होता है ना वो काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देता है, आपकी आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल नज़र आती है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो हमारा काजल होता है ना हम दिवाली पर बनाते हैं, वो काजल मैंने रखा हुआ है, वो हम मैं इसमें थोड़ा सा मिला दूँगी चुटकी भर, ज़्यादा नहीं मिला रही, थोड़ा सा मिला दिया है। अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एकदम नेचुरल डार्क ब्राउन कलर आएगा जिससे कि आईब्रोज एकदम नेचुरल नज़र आती हैं और बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। तो इसे मैं हाथ पे लगा के देखती हूँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा और मिला देंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने जब हाथ पर लगाया तो ये देखिए इस पर कलर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इस पर और डाल देती हूँ ये, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से अप्लाई करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्का सा अप्लाई करके देखते हैं।
तो अब ये बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, काफ़ी अच्छे से इसका कलर आ गया, ये देखिए डार्क ब्राउन शेड आ गया है। तो ये हमारा आईब्रो जेल तैयार हो गया है। इसे मैं इस तरह से इस कंटेनर में रख लेती हूँ। तो अभी मेरे पास कोई डिब्बी नहीं थी, तो ये मेरे पास लेंस की एक्स्ट्रा डिब्बी पड़ी है जिसमें मैं इसे स्टोर करूँगी। तो ये हमारा आईब्रो जेल तैयार हो गया है, इसे मैं यूज़ करके दिखाऊंगी अपने ऊपर। और अब हम काजल तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं स्मज प्रूफ काजल आपको नहीं सिखा रही हूँ, अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से वही काजल लिया है जो मैंने दिवाली पे बनाया था। इसमें मैं डाल दूँगी एक विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें हल्का सा घी डाल दीजिएगा देसी, या फिर आप इसमें हल्का सा सरसों का तेल भी मिला सकते हैं। बिल्कुल बूंद भर मिलाना है, एक दो बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो पतला हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा फैलने लगेगा। बहुत मामूली सा मिलाना है। और ये देखिए अच्छे से मिला लेंगे इसको, और ये बहुत ही अच्छा आपका काजल बन तैयार हो जाएगा, घर का बना हुआ। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा काजल तैयार हो गया। इसे आप किसी भी डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए, बहुत ही बढ़िया काजल है। अगर आप सीखना चाहते हैं स्मज प्रूफ वाला तो मैं आपको वो भी सिखा दूँगी, कॉमेंट करिएगा। तो इसे भी हम इस डिब्बी में रख लेते हैं, और ये हमारा घर का बना हुआ काजल तैयार हो गया है। अब आती है बारी लिपस्टिक बनाने की। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल लिपस्टिक आज सिखा रही हूँ। अगर मैट लिपस्टिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं वो भी सिखा दूँगी। तो यहाँ पे हल्की सी वैसलीन लिया मैंने, और ये मैंने ब्लश लिया है जो कि मेरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं होता है। इसे मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और जितना डार्क कलर आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो ये अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक तैयार हो गई है। आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले लीजिए जो आपका बेकार पड़ा हो, जिस कलर की भी बनानी है इस तरह से मिला लीजिए, आपकी लिपस्टिक तैयार हो जाएगी। अब आती है हाइलाइटर बनाने की बारी। तो इसके लिए भी मैंने वैसलीन लिया है हल्का सा, और इसके अंदर मैं सिल्वर शेड और गोल्डन शेड मिलाने वाली हूँ हाइलाइटर के लिए। आपकी जो भी पैलेट है आई शेडो पैलेट, उसमें जो सिल्वर शेड हो वो आपको यूज़ करना है, जिसमें शाइन हो, शाइन होनी चाहिए। जो शिमरी शेड होते हैं ना वो यूज़ होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ये मेरे पास सिल्वर है और गोल्डन है, दोनों को मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालने वाली हूँ। तो ये हमारा घर का बना हुआ हाइलाइटर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैं गोल्डन डाल देती हूँ, तो मिक्स करके बहुत ही अच्छा कलर बनेगा। तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और इसे हम यूज़ करके देखते हैं हाथ पे। थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, इसमें थोड़ी सी वैसलीन मैं और डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर तैयार हो जाएगा। एक बार हाथ पे हम इसे लगा के चेक कर लेते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे हाथ पे लगा लिया है और काफ़ी अच्छी शाइन आ रही है, देखिए पूरा गोल्डन हो गया है। तो मैं इसे आपको थोड़ा चेंज करके भी दिखाती हूँ। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा सिल्वर शेड और इसमें इस बार थोड़ा सा पिंक भी डालने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो हल्का सा मैंने पिंक और ये सिल्वर डाला है थोड़ा सा, जिससे कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए, हो सकता है ये रोज़ गोल्ड बन जाए, कोशिश करते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर ये ड्राई लगे तो आप इसमें हल्की सी वैसलीन और मिला लीजिएगा, वैसे आपको बहुत पतला नहीं करना है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं लगा के कौन सा कलर बना है। तो ये हमारा जो गोल्डन बना है ये लाइट और सिल्वर और गोल्डन के बीच का बना है, ये देखिए कि कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मुझे गोल्डन से ज़्यादा ये अच्छा तो लग रहा है। अब मैंने सारे DIY कर लिए हैं, जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं अब मैं उन्हें यूज़ करके अपने फेस पे दिखाऊंगी कैसे आप मेकअप कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीम लगा लेती हूँ, और आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी क्रीम लगाती हूँ तो कॉमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूँगी कौन सी क्रीम लगाती हूँ जिससे मेरी स्किन एकदम टाइट रहती है और ग्लोइंग रहती है। बहुत ही अच्छी क्रीम है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर ज़्यादा लगाना ज़रूरी है, कोई भी मेकअप आप करते हैं तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाइए, जो भी आप लगाते हैं, जो भी क्रीम आप लगाते हैं फेस पे, क्योंकि मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो मेकअप आपका पैची हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना होता है प्राइमर, तो हम अपना घर का बना हुआ प्राइमर लगाएंगे। तो ये है वो प्राइमर जो हमने बनाया था, ये देखिए यही था ना, ये है वो प्राइमर। जो मार्केट के आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। तो हम ये प्राइमर लगा लेते हैं हल्का हल्का इस तरह से पूरे फेस पे, और मैं यहाँ आईज़ पे भी लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आईज़ के ऊपर ना कभी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो वहाँ पे मेकअप आपका
पैची हो जाता है, आई शेडो वगैरह ना उसमें क्रीज लाइन्स आ जाती हैं। क्या होगा आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी पसीना नहीं आएगा, आप मार्केट का भी प्राइमर लगाते हैं तो पसीना आता ही आता है, पर आपका मेकअप बहता नहीं है। देखो मेकअप चार्ट DIY है या सस्ता है महंगा है, आपको बस डैप डैप करके अपने पसीने को सुखाना होता है, कभी भी इस तरीके से पोछना नहीं होता। अगर पोछेंगे ना तो सारा मेकअप आपका हट जाने वाला है। इसलिए मेकअप करना तो हर कोई सिखा देता है, पर जो बारीकियां होती हैं, जो टिप्स होती हैं, वो हर कोई नहीं सिखाता है। यूज़ करने वाले हैं ये घर का बना हुआ, देख रहे हैं ये घर का बना हुआ फाउंडेशन मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ ना। अगर आप कंसीलर नहीं लगा रहे तो दो बार कम से कम आप फाउंडेशन लगाइए, जिससे काफ़ी अच्छी कवरेज मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज़ करना है। इसे मैंने गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया था, ये देखिए इसमें पानी है, मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। अब इससे आपको ब्लेंड करना है, जैसे मैं इसे ब्लेंड करने वाली हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मेरा जॉनसन बेबी का पाउडर जो मैंने यूज़ किया था, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का सा करेंगे। पसीना वगैरह आ रहा है तो ये पसीने को सोख लेता है। लगा लिया है, अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगी ब्रश फिल करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ फिल करके। तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, जो DIY प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेकार होते हैं। इसी में बनाया था ना हमने, एक काजल बनाया था और एक ब्राउ पोमेड बनाया था हमने ब्राउज फिल करने के लिए। तो हल्का हल्का इस तरीके से ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल हल्का हल्का सा। ये देखिए इस तरह से, और इससे मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा लेंगे ना तो वो गीला है, थोड़ा सा फैल जाएगा आपका। तो हल्का हल्का सा पहले पीछे की तरफ। इसे बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है, बिल्कुल पतला आईलाइनर ब्रश बोलते हैं। इसे आईलाइनर भी लगा सकते हैं, काजल भी लगा सकते हैं। तो दूसरी वाली डिब्बी में हमने रखा था अपना काजल, जो मैं आपको यूज करके दिखाने वाली हूँ। उसके अंदर भी होता है, तो ये देखिए ये वाली लिपस्टिक मैं यूज कर रही हूँ आपके सामने, और इसी को एज अ ब्लश भी मैं यूज करूंगी। फिलहाल लिपस्टिक की तरह यूज करते हैं।
है हमारा हाइलाइटर, तो वो भी लगा लेते हैं जो हमने बना रखा है खुद अपना। तो ये रहा हमारा हाइलाइटर जो मैं आपके सामने यूज़ करने वाली हूँ, तो इसे भी लगा लेते हैं। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का हाइलाइटर बना है, तो इसे लगाते हैं हम यहाँ पे नोज पे, पता नहीं आपको शाइन कर रहा है कैमरे में कि नहीं, पर ये बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी मैं जिससे कि आपको दिखे, ये पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। चीज़ों से हम मेकअप नहीं कर सकते हैं, घर DIY मेकअप नहीं होता है, बिल्कुल होता है, और मैंने आपके सामने आज करके दिखाया। तो ये हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, और अब रह गई थी मेरी बिंदी, और सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज कर चुकी हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो कैसा लगा ये मेकअप लुक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पास से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये घर की चीज़ों से खुद बनाया मेकअप और खुद किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हो, और मैं इस तरह बहुत बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो को शूट करने में। तो प्लीज़ आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि औरों को भी ये आइडिया। चैनल पर पहली बार आए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।